दशहरे के बारे में क्या क्या रणनीति तैयार की गई है आज? जैसा कि आपको पता है 5 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत हम लोग दशहरा मनाने जा रहे हैं। ये हमारे 13 साल हमें हो चुके हैं उस परमात्मा की देन। 13 साल में हमेशा ही पानीपत में टॉप रहा है और इस बार भी प्रभु राम की कृपा से टॉप ही रहेगा। आपके सामने स्वागत द्वार, 20 स्वागत द्वार बनाए गए हैं जो हमारे साथी हैं, उन्होंने इस पर एडवर्टाइजमेंट अपनी कराई है और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बुधवार दशहरे के दिन दोपहर को 2:30 बजे पूजन यहाँ पर दशहरा स्थल पर होगा। उसके बाद शाम को 5:59 पर दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। आप पानीपत वासियों से सभी से निवेदन है कि समय पर पहुंचकर इस दशहरे का आनंद ले। बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु हाजिर फिर भी पूरी नहीं हुई। 120 का हमारे संख्या का बल है हमारे पास, परंतु यहाँ मैं देख रहा हूँ ये 60-70 के करीब होगा। आज आखिरी मीटिंग लग रही है इस कार्यक्रम की, सभी को आना चाहिए था। असर कोई मजबूरी ना हो, कोई दुख सुख में ना गया हुआ, तो जो हमारे कार्य हुए अभी तक वो आपके समक्ष है। खुशी राम जी बधवा, यशपाल जी चौधरी, हरीश जी खत्री, इस स्टेज के पास इनका मंच लगेगा, कुर्सियां लगेंगे, टेबल लगे हैं, वहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर जो पढ़वाने के लिए हरबंस आनंद जी और सुनील जी चोपड़ा, ये रावण पुत्र जब खड़े होंगे सहयोगी इनको और भी होंगे इनके साथ, मेन इनको मुख्य धारा में जोड़ा गया है। गुब्बारे जो लगेंगे वो ड्यूटी मेरी लगाई गई थी, मैंने बुक करा दिया है, दोबारा मैं रिपीट कराऊंगा। ढोल भोला टेंट हाउस उनकी ओर से लगाए गए हैं, उन्होंने बुक किए हैं और आगे भी उसको रिपीट करेंगे। प्रसाद जो आया है वहां पर वो भी भोला लड्डू का प्रसाद है, भोला टेंट हाउस बोले जो आने हैं मेरी ड्यूटी लगाई गई थी, मैंने बुक करा दी है, रात रिपीट भी मैंने कर दिया है उनको। पराली जो आने हैं कमल नयन जी थोड़ी आ गई है। खाना और जो सेवा है वो बता दिया मैंने, सोमनाथ जी के साथी हैं। कैमरे जो ड्यूटी लगाई गई है जिन्होंने दिया है सेवा, मनीर मंजीत पंचाल कैमरे फ्री कैमरे दे रहे हैं। और ये मेडिकल किट मनीष कुमार जी, महेश इंदर जी, और ये गिफ्ट राधेश्याम जी नासा, यश माटा जो गिफ्ट आए पड़े हैं, मोमेंटो आए पड़े हैं, पटके आए पड़े हैं, मालाएं आए पड़े हैं, यशपाल जी माटा राधेश्याम जी के साथ मिलकर मंच पर वितरित करेंगे। जिसको देना होगा जैसे प्रधान जी कहेंगे उसको दिया जाएगा। पूजन सम्मान जो लेते हैं हर बार चंद्र जी आर्या और पम्मी जी गुलाटी, मीडिया के हमारे विनोद जी पंचाल संपर्क में रहेंगे, उनके रामवीर जी कौशिक जो द्वितीय आहूजा ये मीडिया के संपर्क में रहेंगे। विनोद पंचाल जी ये आपके साथ टीम बढ़ाई गई है, इनको संपर्क आपने कर, जो मीडिया वाले आएंगे उनका मान सम्मान आपने करवाना है, कैसे करना है वो आप बताएंगे। रावण पूजन का सम्मान, रावण के साथ जो पूजन में बैठते मनोहर लाल जी शर्मा, अर्जुन लाल जी नगवाणी, स्टेज और माइक मंच पर जो ड्यूटी मेरी भी लगाई जाती है, हमारे भूषण जी मैदान है, दोनों की ड्यूटी मंच पर लगाई गई है, ये जो संबोधित कर रहे थे ये ड्यूटियां। बाकी हरबंस लाल जी नंद जो क्लियर है, नहीं तो हरबंस जी संपर्क करें। सुनील जी चोपड़ा, भूषण शर्मा जी, विक्रम कुमार जी, यश जी अनेजा, रमेश भद्वा, रविंदर कुमार, पिंडी अरोड़ा, राजू पुरी, सोनू खत्री, ललित नागपाल, रमन कुल्लर, कपिल भटनागर, मुनीष नागपाल, सुमेर भारद्वाज, नरेंद्र शर्मा, जगदीश माटा, तुषार अधलखा, भूषण बत्रा, रजेंद्र खोपड़ी, विक्की खानजो, किशन मल्होत्रा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे एक बुलावे पर यहाँ उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। आपको गुलाटी जी ने, भूषण जी ने, हमारे सभी साथियों ने बताई है, आपको सफेद ड्रेस का खास तौर पर ध्यान रखें और भीड़ ज्यादा होने की वजह से इस बार 10 कमांडो भी अरेंज किए गए हैं जो हमारे साथियों का सहयोग करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ उन अपने साथियों का
जो पिछले 15 दिन से मेरे साथ इस काम में दिन रात लगे हुए हैं बिना समय देखे। हमारे चोपड़ा जी, जुगल आहूजा जी, नासा जी के यहाँ तो शादी थी, ये टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन अब ये पूरा समय हमें देंगे। भूषण जी, गुलाटी जी, हरबंश तो 24 घंटे अंग संग हैं, दिन और रात सब हर समय साथ हैं। रामलीला के प्रधान होने के बावजूद भी इधर अपना पूरा समय दे रहे हैं हरीश अरोड़ा जी, और इस बार ना गुलशन जी और चोपड़ा जी हरबंश जी का खास सहयोग करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे भी रामलीला में थोड़ा बिजी हैं। तो मेरी इन दोनों से रिक्वेस्ट है और पूरा समय देकर जो कार्य इनके साथ मिलकर वो करें। और इस बार थम्मन जी भी किसी वजह से हमारे मीटिंग में दशहरे में नहीं आ पाए और कोई ज़रूरी कार्य से वो पानीपत से बाहर है। तो जो हमने स्वागत द्वार लगवाए हैं, स्वागत द्वार में इस बार सोम मदान जी ने पूरा वो कार्य देखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय से पहले स्वागत द्वार उन्होंने तैयार करवाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बी डी बदवा जी पिछली बार अब्सेंट रहे, लेकिन इस बार उन्होंने ये कार्य अपने पास लिया है दोबारा, जो महावीर स्वरूप के जो आई कार्ड बनने हैं उसके लिए इन्होंने पूरा सहयोग किया है। जहाँ तक बात रह गई है ड्यूटियों की, ड्यूटी लगभग लग चुकी है, 10-15 लोगों की ऐसे ड्यूटी मैंने लगाई है जो मेरे साथ रहेंगे। कोई किसी प्रॉब्लम में, किसी के कोई बीमारी है, कोई घर है, कोई दिक्कत आना जाना है, कोई ब्याह शादी है, तो उसकी जगह उन सब लोगों को लगाया जाएगा। आप ये मत सोचो कि ड्यूटी ये मेरी नहीं लगी तो मैं ड्यूटी में नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी ड्यूटी जो हनुमान स्वरूप हमारे यहाँ आएंगे या उनके साथ जो भगत आएंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था मतलब सुचारू रूप से होनी चाहिए। आप ये देखो भी ग्राउंड में आपकी ड्यूटी है, अगर हनुमान स्वरूप को कोई पानी नहीं पिला रहा तो उस काम को आप छोटा मत समझो, सबसे बड़ा काम है। तो इसलिए उस तरफ भी पूरा ध्यान दो। और अब 3 दिन सोम मंगल बुध जो हमारा दशहरा कमेटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में अदर कोई मैसेज ना डालें, हमें जब जब भी ज़रूरत आपकी पड़ेगी तो हम आपको व्हाट्सएप करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, क्योंकि विपिन बजाज जी ने ये कार्य अपने हाथ में संभाला हुआ है। और आप देख भी रहे होंगे पिछले 10 दिन से हम जिस जिस दानवीर के पास जाते हैं तो उनका वो बाकायदा फ़ोटो डालते हैं और उन सबका धन्यवाद करते हैं। और इस बार तीजा जी ने भी बहुत समय दिया, जब भी हम कहीं पर्ची काटने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए जाते हैं वो भी, और कारला जी भी बहुत सहयोग किया है। और बंटी जुग ने डीलरों के पास जाकर बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाकर धनराशि एकत्रित की है, उनका भी धन्यवाद। मेरे सभी साथी तो बराबर काम कर रहे हैं, जिसके जिम्मे जो ड्यूटी लगाई जाती है मेरे हिसाब से कहीं कसर नहीं छोड़ी जाती। अब यशपाल माटा जी हैं, इन्होंने देखो जितने भी मोमेंटो हैं और जो भी अतिथियों के लिए जो सम्मान लाया गया है वो इन्होंने अरेंज कराया है, चाहे इनको दिल्ली जाना पड़ा, चाहे इनको करनाल जाना पड़ा, गुलाटी जी का सहयोग लिया इन्होंने, जैसे भी लिया, लेकिन अच्छा काम समय से पहले हो चुका है। सभी साथी जैसे हमारे पंचाल जी हैं, नए मेंबर बने हैं, तो उन्होंने इस बार कैमरे की फ्री सर्विस हमारे को दी है, तो ये आप सबके सहयोग से है। कोई आप काम कोई छोटा ना समझे, मैं भी कभी जब भी दशहरे का दिन होता है मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं स्टेज पे ना रहकर अपने साथियों के साथ रहूं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।